कुछ दिन पहले जब इस तस्वीर को देखा तो लगा वाह, चाइना क्या सच में 10 दिन में 1000 बेड का अस्पताल खड़ा कर देगा? क्या सच में 3,00,000 स्क्वायर फुट का एक अस्पताल बनाना 10 दिन में संभव है? फिर इसके पीछे की कहानी को जानने की कोशिश की तो पाया कोरोना वायरस। जी हाँ, वही वायरस जिसने 2002 और 2012 में लगभग 1500 लोगों की जान ली है। तो आखिर ये कोरोना वायरस है क्या, जानते हैं हमारे आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस आखिर है क्या, कहां से आया है, कहां से उसका ओरिजिन हुआ है, उसके सिम्टम्स क्या है और आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं उससे बचने के लिए। पिछले कुछ दिनों से मध्य चाइना के वुहान प्रोविंस से कुछ खबरें आ रही हैं कि वहां के लोगों को अपनी फैमिली से दूर रखा जा रहा है और एक वायरस वहां पे बहुत तेजी से फैल रहा है। वहां पे जो वायरस फैल रहा है उसे कोरोना वायरस बोलते हैं। कोरोना एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है ताज, यानी कि क्राउन। जब आप माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो जो वायरस है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है वो ताज की शेप में होता है और इसी वजह से इसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। इस वायरस का साइंटिफिक नेम है 2019 nCoV। 2019 जिस ईयर में ये ब्रेक हुआ है, डिटेक्ट किया गया है। N is for novel, novel मतलब कि नया, ये अपनी श्रेणी का सबसे नया वायरस है तो अभी इसका नाम novel रखा गया है। cov का मतलब है corona virus, cov stands for corona virus, so इसका पूरा नाम है 2019 nCoV और ये अपनी श्रेणी का 7वां वायरस है and it is very deadly। 1 दिसंबर 2019 को एक केस रजिस्टर किया गया कोरोना वायरस का, लेकिन तब तक सबको ये नहीं पता था कि ये एक नए टाइप का वायरस है, ये एक नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस के अंदर। उसके बाद 31 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि चाइना के अंदर एक नया वायरस स्प्रेड आउट हो रहा है बहुत ही स्पीड से। 7 जनवरी 2020 को चाइनीज अथॉरिटीज़ ने ये कन्फर्म किया कि वहाँ पर एक वायरस जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है वो एक नया टाइप का वायरस है। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने तभी कंफर्म करी जब वुहान सिटी को आइसोलेट किया जा रहा था और अपने फैमिली मेंबर से दूसरे लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक पूरे विश्व में 6000 से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं जापान, US, साउथ कोरिया, थाईलैंड। अभी इंडिया के अंदर सिर्फ 7 केस सस्पेक्टेड लिस्ट में आते हैं, अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं या नहीं, बट दे आर सस्पेक्टेड। 160 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स आर इन चाइना। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने ये सुना होगा कि चाइना शायद कोई बायो वेपन बना रहा था और एक्सपेरिमेंट रॉन्ग होने की वजह से ये एपिडेमिक फैला है। अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट की माने तो ये एक सी फूड मार्केट से ही आया है, बट दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज आल्सो डूइंग राउंड्स। लोगों का ये मानना है कि इंसानों के अंदर ये वायरस या तो बैट सूप या स्नेक सूप से आया है, लेकिन इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जेनेटिक एनालिसिस से ये ज़रूर पता चलता है कि इस कोरोना वायरस के जो स्ट्रेन हैं इट इज़ वेरी सिमिलर टू फ्रूट बैट्स के जो स्ट्रेन हैं। अब हम बात करते हैं इस वायरस के सिम्टम्स के बारे में। तो हम आपको बता दें कि लगभग एक हफ्ते तक इसके सिम्टम्स कोई भी नज़र नहीं आते हैं और दूसरे हफ्ते से थोड़ा फीवर दिखना शुरू होता है, उसके बाद थोड़ी खांसी दिखनी शुरू होती है और उसके बाद आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी और अगर ये 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा चलता है तो ये निमोनिया भी बन सकता है और ये निमोनिया दोनों फेफड़ों की काम करने की क्षमता को बहुत कम कर देता है जिससे मौत भी हो सकती है। क्या 2019 n कोरोना वायरस का कोई इलाज है? तो नहीं,
अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं। कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी बाहर जाएं तो साफ पानी से और साबुन के साथ हाथ धोएं। अपनी नाक और मुंह कवर करके खांसें या छींकें। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास किसी आदमी को कोल्ड या फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं तो उसके साथ कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें। मास्क ज़रूर पहनें। भीड़ भाड़ वाले इलाके, जानवर और पक्षियों से दूर रहें। खाने को अच्छे से पकाकर ही खाएं। गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जिंदगी के पन्ने।